रुझान आ रहे हैं जी। इस तो सब तो पहला तो एक बिल्कुल स्पष्ट हो चुका कि जिहड़ी मौजूदा सरकार आ सूबे दे विच लोकां ने उन्हूं नकारता। पहला तो जदों चोणां दे 34% 40% तो 45% जिहड़े इन्हां दी चोण गिनती हुई है जदों लोकां ने फतवा दित्ता सी उहदे विच परसेंटेज घट होण दे करके लोकां ने पहला वोटां पाउण वाले नकारिया। हुण जदों चोण दा हुण तक जिहड़े चोणां दे रुझेवें आ रहे आ उहदे च बिल्कुल लोकां ने जिहड़ी आम आदमी पार्टी उहनूं नकार दित्ता। बाकी जो चोणां दे रुझान आ रहे आ जो लोकां दा फतवा उह सिर मत्थे। पर एक गल मैं बड़ी क्लीयर करना चाहुंदा कि इस इलैक्शन दे विच बड़ी खुशी की गल है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बैनर ते अपने सिंगल ते पहली दफ लड़ी आ। इस संगरूर पार्लियामेंट दे विच 990 पिंड ते 1800 जिहड़े बूथ आए आ। असीं धमाकेदार एंट्री और हरेक बूथ ते साडी प्रेजेंस आ, हरेक बूथ ते साडे वर्कर बैठे आ। सो वर्कर साहिबान दा जिन्हें भी साडे वोटर साहिबान आ सारिआं दा मैं धन्नवाद करदा और इह तुहानूं दसदा वी आ पक्की 2024 च जिहड़ी इलैक्शन आ रही है पार्लियामेंट च और 2027 दे विच इह सरकार बनेगी पंजाब दे विच बीजेपी दी सरकार बनेगी। जिहड़ी इह संकेत है लोकां ने नकारता और आ जिहड़ी सब तो वड्डी खुशी मैनूं इह हुंदी आ कि इस वेले भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार नींह रखी गई है 1800 बूथ दे विच जिथे हरेक जगह प्रेजेंस आ। 2024 पार्लियामेंट दे 13 दे 13 सीटा जितांगे, 2027 दे विच सरकार बनावांगे। देखो नीह पत्थर रखा गया, इह लोकां दा जो फतवा सानूं मंजूर आ कि पहली दफा भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल ते लड़ी आ। देखो यही गल मैं कह रहा कि जिहड़े लोकां ने घट वोट पाई और अज जिहड़ा फतवा आया इह च बड़ा क्लीयर हो गया कि जिहड़ी मौजूदा सरकार आ पंजाब च लोकां ने उहनूं नकारता। कि तुहानूं पता बाई इलैक्शन दे विच जिहड़ी मौजूदा सरकार हुंदी आ उहदी जित हुंदी आ। सो अज मौजूदा सरकार नूं लोकां दे नकारना पता लग गया कि उहनूं मौजूदा सरकार लोकां दे वादिआं ते पूरी नहीं उतरी। पर गल है मैं तुसीं कह रहे हो वादिआं ते नहीं उतरी पर हुण वी लीड जिहड़ी आ 800 तों वध गई होई आ। देखो जी हजे तां फाइनल रिजल्ट आउणे आ, इह तां इनिशियल जिहड़े रुझेवें आ उहदे विच देखदे होए मैं इसे गल नूं कहिंदा कि जो लोकां दा फतवा सानूं सिर मत्थे आ। पर इह गल दे विच तुसीं देख लो कि जिहड़ी मौजूदा सरकार आ उह लोकां ने नकार दित्ता। देखो मैं दसदा इस वेले प्रभावित जिहड़ा मुद्दा करन आउणा लोकी नराश ज्यादा कि लोकां दी जिहड़ी वोट परसेंटेज उह वी घट होई आ। लोकां निराश इस आ कि जिहड़े वादे कीते आ ना तां इक 1000 रुपया दित्ता महिलावां नूं उह दित्ता, ना कोई बिजली दे 600 वादा कर भरा बैठे हो। इस जिहड़े वादे कीते आ आम आदमी पार्टी ने एक भी पूरा कीता होवे। नतीजे जेड़ा खोलन लगे आ वो नतीजे थोड़े सामने आ, लोकां ने नतीजा साफ करता। 3 महीने देखते हो 26,000 वोटां दे साडे कुछ मिलियां ने, इस तो नाल की कलबीर सिंह कोलिन 33,000 कुछ मिलियां ने, तुसी 6,000 ए हजे तक कांग्रेस को पीछे ए हजे बहुत इनिशियल जिहड़ियां बूथ दीआं रुझेवें आ हजे तक अग्गे देखो। पर जो भी होएगा मैं तो यह कहना भी लोकां दा फतवा सिर मत्थे। ये जो सब तो वड्डी गल आ तीन वड्डियां चीज़ां ने, एक तो लोकां दा फतवा सिर मत्थे, दूजी जो रूलिंग पार्टी आ उन्हूं लोकां ने नकार करता, तीजी साडी भारतीय जनता पार्टी दी धमाकेदार नींह रखी गई। पंजाब दीआं लोकसभा इलैक्शनां होण फिर मैं तुसीं इही गल्ल कहो वी लोकां दा जिहड़ा फतवा सिर मत्थे, क्योंकि हुण तुसीं कह रहे हो वी उदों सारियां जित्तांगे। बिल्कुल जित्तांगे जी, जित्तांगे जदों एड्डी वड्डी नींह पत्थर रखी आ। नींह पत्थर रखण नाल बिल्डिंग वी वड्डी बणूगी, थोड़े सामने बणूगी। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਹਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ 6 MLA ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ